गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। हमने प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। आपको फेस वैल्यू लिखनी है कलर्ड डिजिट की, जो कलर किए गए। तो सबसे पहले फेस वैल्यू का मीन समझ लेते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज एक्चुअल वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू इन ए नंबर, गिवन नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू इस एक्चुअल वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें फर्स्ट है 7 1 0 0 6 2। ओके, फेस वैल्यू ऑफ 0, इसका आंसर लिखोगे आप सामने। फेस वैल्यू ऑफ 0 इन 7 1 0 0 6 2 इज 0। सेकेंड, एक और इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, 3 7 2 8 5। फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 3 7 2 8 5 इज 2। कहने का मीन से हुआ, फेस वैल्यू को पहले मीन समझ लेते हैं। फेस वैल्यू होती क्या है? फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट यानी किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू इन ए नंबर, जो नंबर दिया गया उसमें इज एक्चुअल, जो एक्चुअल होता है वैल्यू ऑफ द डिजिट, उस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू होती है, उस डिजिट की एक्चुअल वैल्यू होती है फेस वैल्यू। ओके, कैसे? जैसे एक नंबर दिया गया है, इसमें कलर्ड डिजिट आपके बुक में लिखा गया कलर डिजिट, लेकिन मैं कलर कर नहीं सकते इसलिए मैंने सर्कल्ड कर दिया है ना। आपके पास अगर कलर हो तो उसको अलग कलर से उस डिजिट को लिख देना। तो 0 है तो 0 की फेस वैल्यू वो होती होगी, फेस वैल्यू ऑफ 0 इन 7 लाख 10,000, देयर वंस 10,000 10,000 लाख 7 लाख 10,000 62 में 0 की 0 होगी। यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे 0 लगाते थे उसके पीछे वो नहीं लगाना, वो का वो डिजिट लिखना है। 37,285 है, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 जो ये सर्कल क्या है उसके 2 की इन 37,285 में क्या होगी, वो 2 ही होगी। जबकि प्लेस वैल्यू में क्या लिखते थे, इस 2 की प्लेस वैल्यू 2, पीछे 2 0 लगाते थे 200, जबकि फेस वैल्यू में वो का वो डिजिट ही लिखना है, बस 2 की 2 ही रहेगी प्लेस वैल्यू, 0 की 0 ही रहेगी। ओके, इसी तरीके से सी में 1 की 1 ही फेस वैल्यू रहेगी और डी में 5 की 5 ही फेस वैल्यू रहेगी। ओके, तो यहां पर देख वापस 7,10,062 था, तो फेस वैल्यू ऑफ 0 इन 7,10,062 इज 0। इसी तरीके से 37,285 था, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 37,285 इज 2। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है।
नाउ मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने हैं आपको जो न्यूमेरल्स नीचे दिए गए उनके, क्या लिखने हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखने हैं। ओके, अब किस तरीके से लिखेंगे उसको मैं बता देता हूं। सबसे पहला है ए 728590 7 2 8 5 9 0, इसमें आपको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले 7 की, तो 7 के पीछे कितने डिजिट बचे उतने 0, 7 के पीछे 7 को छोड़कर 1 2 3 4 5, तो 5 0, फिर प्लस, फिर ले लिया 2, 2 के पीछे कितने 0 बचे, 1 2 3 4, 4 बचे तो 4 लिखो, यानी कि 4 डिजिट है तो 4 0, प्लस फिर 8 लिख दिया, 8 के पीछे कितने डिजिट, 8 के पीछे कितने 0 डिजिट है, 3, 1 2 3, तो 3 0 लगा, प्लस फिर 5 लिख दो, 5 के पीछे कितने डिजिट है, 2, तो 2 0 लगा दो, प्लस फिर 9 लिखो, 9 के पीछे कितने डिजिट है, 1 1, और 0 की कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखते हैं। ओके, 0 का कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको नहीं लिखना है, तो दिस वे। और इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करना भी आना चाहिए आपको, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1000 आए तो आगे से 1 डिजिट, 1000 आए तो आगे से 1 डिजिट, 10,000 आए तो आगे से 2 डिजिट, लाख आए तो आगे से 1 डिजिट, 10 लाख आए तो आगे से 2, कैसे? जैसे कि 1, 10, 100, 1000 आया तो आगे से 1 डिजिट लोगे, क्या लोगे आगे से 1 डिजिट, 8000, लेकिन 10,000 आते आगे से 2 डिजिट, दोनों को इंक्लूड कर लोगे 28,000, और गाड़ी और आप उनके भी 1000, तो फिर लाख आए तो आगे से 1 डिजिट, 10 लाख आते तो आगे से 2 डिजिट, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख आया 7 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 28,000, 1, 10, 100, 500, 90, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पढ़ने हैं। एक और इसमें क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी 3,72,856, 3,72,856, सबसे पहले 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, 3 का पीछे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस फिर 7 लिखा, 7 के पीछे कितने आएंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 लिख दिया, प्लस फिर 2 के पीछे 3 आएंगे, प्लस फिर 8 के पीछे 2 0 आएंगे, प्लस फिर 5 के पीछे 1 0 आएगा, और 6, ठीक है। यहाँ पर जीरो की प्लेस आपको एक्सपेंडेड फॉर्म जीरो किसी में भी नहीं लिखनी है, जीरो के पीछे मान लो ये बीच में भी होता है जीरो, तभी जीरो जीरो होता, इट मीन्स वो जीरो ही है, तो जीरो की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको नहीं लिखनी है। तो इस तरीके से और 2 क्वेश्चन करवाए मैंने, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म, ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।